में प्रशासन ने एक ई कचरा फैक्ट्री को सीज किया जो मानकों के विपरीत बगैर चिमनी के चल रही थी। फैक्ट्री से भारी मात्रा में ई कचरा, एसिड और 61 घरेलू गैस सिलेंडर बरामद किए गए हैं। इसके अलावा फैक्ट्री में 8 बच्चे काम करते मिले। झांसी के लक्ष्मी गेट में अवैध बेसमेंट की समस्या एक बार फिर गर्मा गई है। खनिज विभाग की टीम ने अवैध पत्थर कटाई की सूचना पर कार्रवाई करते हुए एक ट्रैक्टर और कंप्रेशर सेट को जब्त कर पुलिस के हवाले कर दिया। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता समेत 5 लोगों के खिलाफ सुल्तानपुर की MP MLA कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। अब इस मामले में 20 अगस्त को सुनवाई होगी। झांसी में प्रदीप गुप्ता की खुदकुशी के मामले में शिक्षक MNC बाबूलाल तिवारी ने आरोप लगाया कि गुप्ता ने बार बार के ट्रांसफर और दबाव के कारण खुदकुशी की। तिवारी ने कहा कि आगे स्काउटिंग प्रभात कुमार ने गुप्ता को धमकी दी और शोषण किया, जिसके चलते गुप्ता ने कदम उठाया। तिवारी ने निष्पक्ष जाँच की मांग की है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने कानपुर के एक दिवसीय दौरे में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने सीसामाऊ विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की जीत का विश्वास जताया और बांग्लादेश को गंदा देश कहा। नवाब सिंह की गिरफ्तारी पर अखिलेश यादव के बयान को नकारते हुए मौर्य ने कहा कि तिरंगा यात्रा 15 अगस्त को भव्य होगी और सभी घरों में तिरंगा लगेगा। उत्तर प्रदेश के कानपुर संभाग ने राजस्व वसूली में पूरे प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है, जिसमें 91.46% राजस्व की प्राप्ति की गई है। राज्य स्तरीय औसत 84.07% है। फारुखाबाद ने वसूली में नंबर 1 स्थान प्राप्त किया। कानपुर के संभाग में पिछले साल की तुलना में 30.26% की वृद्धि हुई है और औरैया, कन्नौज और फरुखाबाद ने भी क्रमशः 20.07%, 15.31% और 10.90% की वृद्धि दर्ज की है। बिजनौर में जनता इंटर कॉलेज महुआ के प्रधानाचार्य ने छात्राओं को हिजाब में स्कूल आने से मना कर दिया, जिससे बवाल मच गया। छात्राओं ने इस विरोध की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। DIG OS की टीम ने जांच के लिए कॉलेज का दौरा किया, लेकिन प्रधानाचार्य ने हिजाब पर पाबंदी के आरोपों से इनकार कर दिया। जालौन में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो गई। जिला प्रशासन, सामाजिक संगठनों और शैक्षिक संस्थानों के सहयोग से कई प्रतिष्ठानों पर तिरंगा फहराया गया। DM राजेश कुमार पांडे ने आम जनता से अपने घरों में तिरंगा फहराने की अपील की है। स्वतंत्रता महत्व को जन जन तक पहुंचाने के लिए पुलिस, PAC, होमगार्ड और NCC कैंडिडेटों ने तिरंगा रैली निकाली। फिरोजाबाद के गांव नगलासौट में भारतीय किसान यूनियन ने बिजली विभाग के JE राहुल अग्रवाल के खिलाफ धरना दिया। किसानों का आरोप है कि JE ने बिना अनुमोदन के 10 KV के ट्रांसफर लगाए और चेकिंग के नाम पर अवैध वसूली की। किसानों की पहले भी लिखित शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिस पर उन्होंने नाराजगी जताई है। महामृत्युंजय श्रावणी मेले के अंतिम दिन महिला मंगल दलों, सांस्कृतिक दलों और सूचना विभाग ने रंगारंग प्रस्तुतियों से मेलार्थियों का मनोरंजन किया। कर्ण भूमि कला मंच के कलाकारों ने शानदार लोकगीतों और लोक नृत्यों का प्रदर्शन किया। महिला मंगल दलों और स्कूली छात्राओं ने प्रतियोगिताओं में पुरस्कार जीते और बाल कलाकारों की प्रस्तुतियाँ भी सहारी गयी। बुलंदशहर में DM चंद्रप्रकाश सिंह की अध्यक्षता में कर और राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक हुई। अधिकारियों को तैनाती स्थल पर रात बिताने, जनसुनवाई समय पर करने और भूमि विवाद मामलों को प्राथमिकता पर निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। सांसद विधायक ने वितरित किए नियुक्ति पत्र। बुलंदशहर में 13 अगस्त 2024 को मिशन रोजगार के अंतर्गत 9 सहायक शोध संख्या के अधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। जनपदीय सांसद भोला सिंह और सिकंदराबाद विधायक लक्ष्मी राज सिंह ने ये पत्र दिए। लखनऊ में CM योगी आदित्यनाथ ने 1036 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए, जिनमें से जनपद के चयनित अधिकारियों को भी नियुक्ति पत्र मिला। सांसद ने नवनियुक्त अधिकारियों को बधाई दी और ईमानदारी से काम करने की सलाह दी। महोबा शहर कोतवाली क्षेत्र में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने 5.5 क्विंटल गांजे के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। ललितपुर के ग्राम असौपुर निवासी महेश की बेटी प्रियंका की शादी ग्राम 13 के अमित से 1 साल पहले हुई थी। शादी के बाद प्रियंका और अमित ललितपुर नई बस्ती में किराए के मकान में रहने लगे। प्रियंका ने संदिग्ध परिस्थितियों में खुदकुशी कर ली। जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्रियंका के मायके पक्ष ने आरोप लगाया है कि दहेज की मांग को लेकर उनकी बेटी की जान ले ली गई।